दुर्ग में एक युवक ने टैक्सी चालक पर हमला करते हुए बर्फ तोड़ने वाले सूजे से हत्या कर दी। दिनदहाड़े हत्या होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वारदात जिला अस्पताल के सामने हुई। घटना के बाद सभी चालक आक्रोशित हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए नाकेबंदी कर घंटे भर में आरोपी प्रशांत बारले को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतक टैक्सी चालक और आरोपी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या का जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आ रहा है उसमें आपसी लेन देन का विवाद सामने आ रहा है जिसके कारण यह हत्या हुई। आरोपी के द्वारा लेन देन था या फिर प्रार्थी के द्वारा लेन देन? ये आरोपी द्वारा बताया गया। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में उसमें बताया गया कि वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था कि मेरे से उसने पैसा लिया है, जिसी को लेकर विवाद हुआ दोनों के मध्य।